हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं साइंस का मॉडल पेपर का अगला सेट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक से लेकर 48 तक का वी.वी.आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या एक से लेकर 48 तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब आप अपने ओएमआर शीट में भरिएगा। तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। पहला से मिला है प्रकाश स्रोत, बी में दिया गया है किरण पुंज, सी में दिया गया है दीप्तिमान वस्तु और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का जो पहला क्वेश्चन होता है उसका जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दो को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग को होता है, यानी जो खतरे के संकेत के लिए जो प्रकाश का उपयोग किया जाता है वो कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों, वह होता है लाल रंग, क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि रेलवे के सिग्नल पे भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीन पूछ रहा है कि एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। दोस्तों, आपसे बताते हैं, एक जूल और एक जो सेकेंड होते हैं उसके अनुपात को हम कहते हैं एक वाट। ठीक है, एक वाट क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी में मौजूद है, 1W। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चार को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार दिया गया है, चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर यहाँ पे चार ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन का राइट आंसर प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण जो होता है वो चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच भी आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो आपसे बता दें, जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, आपसे बता दें, क्वेश्चन नंबर छः भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दिया गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, चार ऑप्शन मौजूद है और आपसे बता दें कि जो भी स्टूडेंट को पहले से जवाब मालूम होगा वो सभी स्टूडेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सही जवाब लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर जो छः, आप सभी देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मालूम भी होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है m/-1 होता है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको डी मिलेगा, और डी भी नहीं मिलेगा तो मिलेगा दोस्तों क्या चीज़, तो वो मिलेगा डाइऑप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाइऑप्टर कहते हैं, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, या उसको m/-1 लिख सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तरफ। क्वेश्चन नंबर सात दिया गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यानी कहने का मतलब आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आपसे बता दें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर आठ को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यहाँ पे चार ऐसे वैज्ञानिक का नाम दिया गया है जो विद्युत के चुंबक की खोज के यहाँ पे बतलाना है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी। तो पहला है मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, और डी में दिया गया है फ्लेमिंग ने। आपसे बता दें, फैराडे महोदय ने ही विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज की थी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर नौ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ आप सभी देख सकते हैं, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है हमेशा वस्तु के बराबर बनता है तो वो जो दर्पण होगा वो कैसा होगा, तो वो समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में ही जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी समान बनता है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 1 kWh बराबर क्या होता है, यानी 1 kWh बराबर क्या होता है। तो आपसे बता दें, 3.0×10^-5 जूल होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी में मौजूद है। उसके बाद में किसने स्टूडेंट को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर ए इसका सही जवाब ए होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा लिख दीजिएगा। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, ठीक है, चार ऑप्शन मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए,
वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपसे बता दें, अवतल दर्पण को एफ कहते हैं, फोकस दूरी को एफ कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आर बाई टू होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, तो आधी होगी। ठीक है, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। आपसे बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति का नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन का सही जवाब आई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। आप सभी तो जानते होंगे कि जो प्रिज्म होता है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक सतह, ये दूसरा सतह, ये तीसरा सतह, एक इधर वाला, एक उसके जस्ट बगल वाला, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तीन और दो पाँच जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक जो साधारण प्रिज्म होते हैं वो पाँच सतहों से घिरे रहते हैं। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन की बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा पक्षमाभि मांसपेशिया द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। देखिए, सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही नाम होता है सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी आधा हाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु जो संख्या होती है वो कितनी होती है। परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या पूछा गया है। और आपसे बताते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और परमाणु द्रव्यमान जो होती है वो 16 होती है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि एक पीएम का मतलब पिकोमीटर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी में है, यानी 10^-12 मीटर के बराबर होता है। ये आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही न्यू क्वेश्चन है, ये पहले आपके मेट्रिक एग्जाम में आप सभी भी नहीं देखे होंगे। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी देख सकते हैं दिया कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। ठीक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, आपसे बता दें। क्वेश्चन का राइट आंसर एकल बंधन OH हो जाएगा। ठीक है, जिसको अल्कोहल भी कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आपसे भी देख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। कोई भी ऐसी अभिक्रिया है, जैसे मान लेते हैं कार्बन और प्लस ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है, CO2 बनता है। तो ये जो अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उस सभी पदार्थ को क्या हम कहते हैं, तो आपसे बता दें उसे जो हम कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब अभिकारक हो जाएगा। उसके बाद ही बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे बता दें साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है, जिसका जो नाम होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो आपसे बता दें मीथेन जो गैस होता है वही बायोगैस का प्रमुख घटक होता है। तो जिसका जो हम संकेत लिख सकते हैं कि CH4 जो मीथेन का सूत्र है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि पोटेशियम जिसको के बोलते हैं, के उसका लैटिन नेम होता है, के से कैलियम होता है जिसे पोटेशियम कहा जाता है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। आपसे बता दें पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 19 होती है। ठीक है, और इसका जो
परमाणु द्रव्यमान होता है वो 19 दूनी कितना आता है दोस्तों 38 और 1 39 हो जाता है। क्योंकि अभाज्य संख्या में हम 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निकलता है, और भाज्य संख्या में हम केवल 2 से गुणा करते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निकलता है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। यहाँ पर दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण आप सभी को प्रस्तुत करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी CH3COOH। देखिए यहाँ पे COOH मिल गया है ना, तो यही दोस्तों आपका अम्ल बन गया, ठीक है। लेकिन यहीं पे बात करें HCl पे, तो यहाँ पे भी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, और HNO3 मेथनोइक अम्ल है। लेकिन यहाँ पर दुर्बल अम्ल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3COOH। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को, कि कार्बन क्या है। आपसे बता दें कि कार्बन तो क्या है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा कि कार्बन दोस्तों क्या है, तो यह एक अधातु है। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे चार अधातु जैसे देख सकते हैं, चार ऑप्शन, इसमें से बतलाना है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आपसे बता दें क्वेश्चन क्राइटेरिया ग्रेफाइट हो जाएगा, ये चूंकि आप सभी अपवाद में पढ़ते होंगे कि ग्रेफाइट अधातु होते भी विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद में बात करिए आवर्त सारणी से, क्वेश्चन लिया गया आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आपसे बता दें कि अगर आपसे वर्ग पूछा जाए तो 18 लिखेगा, और कितने आवर्त होते हैं तो 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन कि कितने आवर्त होते हैं तो दोस्तों 7, और कितने वर्ग होते हैं तो 18। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, उदासीन विलयन का पीएच मान बराबर क्या होता है। आपसे बता दें कि अगर कोई भी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में रहेगा तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। 7 रहेगा तो उदासीन होगा, और 7 और 14 के बीच में रहेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर उदासीन हमसे पूछा गया है, तो 7 के बराबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 भी आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभिक्रिया CuO+H2, ठीक है। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो बनता है Cu यानी कॉपर, और H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें किसका उपचयन होता है, तो आप सभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर अभिक्रिया आप सभी को बनाने आता होगा तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, ठीक है, इसी का उपचयन हो रहा है। उसके बाद में चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की, कि सोडियम की संयोजकता क्या है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। तो आपसे बता दें सोडियम की जो Na यानी सोडियम की संयोजकता होती है वो 1 होती है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है, ठीक है, कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, ना ही कैल्शियम होगा, ना ही ब्रेलियम, ना ही लिथियम। देखिए क्या होता है कि हीलियम, रेडान, जिडान, क्रिप्टान, नियान, जितना भी आपको इस तरीके से एक आप देखे होंगे क्या बोलते हैं एक वर्ग का जो होता है ना मान सारणी, आवर्त सारणी, तो उसमें आप देखेंगे इधर अक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है, हीलियम, रेडान, जिडान, नियान, क्रिप्टान इस तरीके से होते हैं, तो वो सभी शून्य वर्ग के तत्व कहलाते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, तो हीलियम होता है। उसके बाद में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी देख सकते हैं, दिया गया है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे बता दें जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए कि किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उत्पादक होते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP का फुल फॉर्म होता है, SANO3TTP से फॉस्फेट है, ठीक है। तो एनीडो ट्राइफॉस्फेट क्या है, तो दोस्तों आपसे बता दें कि वह ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है, और ऊर्जा का संग्राहक भी है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मालूम होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन 38 को देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो आपसे भी तो मालूम होगा कि शुक्राणु किस में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये पाए जाते हैं पुरुष में, ठीक है। तो ये जो पुरुष में शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपसे बता दें वो कितना कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में होता है।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत पाया जाता है, यानी ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वायुमंडल के जो ऊपरी सतह होता है वहीं पे ओजोन परत पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा अनुवंशी गुणों का संदेश होता है, अनुवंशी गुणों का संदेश कहाँ किससे होता है, तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डीएनए के अणुओं में अनुवंशिकी गुणों का संदेश होता है। यहाँ पे एक नर हार्मोन का नाम बताना है, तो यहाँ पे चार हार्मोन का नाम दिया गया है, क्वेश्चन का राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, क्योंकि नर हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन भी होता है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर वृषण हो जाएगा, ठीक है, तो वृषण में ही होता है, क्योंकि अंडाशय गर्भाशय ये तो आपको पुरुष में पाए जाते हैं, सॉरी स्त्री में पाए जाते हैं, और वृषण हो जो होते हैं वो पुरुष में पाए जाते हैं, और इसी में क्या होता है दोस्तों, शुक्राणु पाया जाता है। उसके बाद में बात क्वेश्चन नंबर 44 की है कि किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ये काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, चूँकि इन्हें ही अनुवंशिकी का जनक माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 को देख लीजिए, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन का राइट आंसर विसरण क्रिया द्वारा हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी मछली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो वो दो कोष्ठ पाए जाते हैं। वहीं पे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में चार कोष्ठ पाए जाते हैं, लेकिन मछली में दोस्तों केवल दो कोष्ठ पाए जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो आपसे बता दें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कोक होता है, ठीक है, सॉरी बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कोक और सी एन एच थ्री यानी अमोनिया एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। उसके बाद में बात की क्वेश्चन नंबर 48 की कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है, चूँकि आप सभी देखते होंगे कि स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में दोस्तों एक्स वाई पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्त्री में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको भी हो रहा है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, तो आप .net के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचो और व्हाट्सअप करो 8400400400 पे। दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के किसी भी कठिन से कठिन सवालों का जवाब सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।